दोस्तों, आप ही लोगों में से बहुत सारे अपने बालों की केयर करने के लिए हेयर ड्रायर का यूज जरूर करते होंगे। तो अगर आप भी हेयर ड्रायर को पसंद करते हैं तो आज की इस हेयर ड्रायर वाली मैन्युफैक्चरिंग वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी जान पाएं कि आखिर यह हेयर ड्रायर बनता कैसे है। लेकिन इससे पहले ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, उस घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में सबसे पहले हेयर ड्रायर की बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसके लिए प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन में प्लास्टिक को हाई टेम्परेचर पर गर्म करके हेयर ड्रायर की बॉडी के शेप को तैयार कर लिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन बॉडी को कुछ वर्कर्स द्वारा गन पेंटिंग मशीन द्वारा अच्छी तरीके से पेंट किया जाता है, जिन्हें सुखाने के लिए ड्रायर चैनल्स की भट्टियों का यूज किया जाता है। अगली प्रोसेस में मोटर को एक प्लास्टिक बॉडी में फिट किया जाता है जो कि हीट प्रूफ होती है। और इसी के साथ अगले स्टेशन पर इलेक्ट्रिक वायर की हेल्प से हीट पैदा करने वाली स्प्रिंग को भी तैयार कर लिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद एक प्रोडक्शन लाइन में एक एल्यूमिनियम रोड पर कॉपर के वायर की वायरिंग की जाती है, जिससे ज्यादा हीट पैदा होती है। इसी के साथ एक बेहतरीन बात कि कॉपर एक हीट सिंक वायर होता है जो आसानी से पिघलता नहीं है। अगली प्रोसेस में अब इन सब पार्ट्स को एक साथ असेंबल लाइन में अटैच कर दिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद अब इस हेयर ड्रायर की वर्कर्स द्वारा टेम्परेचर मेंटेनर की हेल्प से जांच की जाती है। इस चेकिंग के बाद पुनः एक ऑटो मशीन द्वारा ऑटो चेकिंग प्रोसेस द्वारा इस प्रोडक्ट के सभी पार्ट्स की भी जांच की जाती है। अभी इस हेयर ड्रायर पर कंपनी के नेम की ब्रांडिंग की जाती है और इसी के साथ क्वालिटी टेस्टिंग अन्य सभी प्रकार की प्रोसेस से गुजरने के बाद इसे सेल करने के लिए पैक करके सप्लाई कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में बनाया जाता है हेयर ड्रायर। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।